लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देवहूति मंत्र नारद ऋषियों के ऋषि महर्षि महाज्ञानी महाप्रलयंकारी ऋषि दुर्वासा के चरण कमलों में मेरा सादर प्रणाम। नारद क्षमा कीजिए, मैंने आपको देखा नहीं। नारद मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हारे स्वभाव से परिचित हूं। तुम भली भांति जानते हो कि मैंने देवहूति मंत्र की सिद्धि की है। उसके पश्चात मेरे मार्ग में बैठकर देवहूति मंत्र की साधना के पीछे तुम्हारा कुटिल उद्देश्य क्या है? कुटिल नहीं, सार्थक उद्देश्य है मेरा। स्पष्ट करो। क्योंकि मैं चाहता हूं कि संसार के सभी प्राणियों को देवहूति मंत्र सिद्ध करा दिया जाए। परंतु क्यों? ताकि संसार के किसी भी प्राणी के लिए किसी भी देवता को अपने वश में करना सुलभ हो जाए। इसके भयंकर परिणाम से परिचित हो तुम नारद? भयंकर? क्या इसका परिणाम भयंकर हो सकता है? अवश्य, इसका भयंकर परिणाम अवश्य हो सकता है। नारायण नारायण, अर्थात आपने कुंती भोज की पुत्री कुंती को संकट में डाल दिया ना ऋषिवर। नारद नारद नारद, ठीक है। अच्छा ये बताओ, देवों के देव कौन है? महादेव। इस संसार को चलाने वाला कौन है? महादेव। इस संसार का संहारक कौन है? महादेव महादेव महादेव। शिवजी की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी संभव नहीं? अर्थात अर्थात शिवजी के इच्छा अनुसार कुंती ही देवहूति मंत्र के लिए उपयुक्त पात्रा थी। उद्देश्य? नारद क्या सब कुछ एक साथ जान लेना चाहते हो? परंतु किसी भी भविष्यवाणी के लिए यह समय और स्थिति उपयुक्त तो नहीं है। परंतु किंचित आभास मैं तुम्हें दे देता हूं। वो महान उद्देश्य है द्वापर युग में एक ऐसे महापुरुष की उत्पत्ति जिसमें देवत्व की दिव्यता और शक्ति समाई हो, और उसका माध्यम होगी कुंती। परंतु महर्षि महर्षि, इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं बता सकता नारद। कुंती धात्री रुक जाओ। कुंती क्या कर रही हो तुम? मुझे स्वयं नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ। मुझे कुछ रुक जाओ पता। कुंती रुक जाओ, देखो कुंती। धात्री ना जाने ये कैसा आकर्षण है जो मुझे अपनी ओर खींचे चला जा रहा है। धात्री मैं बहुत प्रसन्न हूँ, धात्री मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये तुम्हें क्या हो गया है कुंती? क्या तुम भूल गई हो कि तुम एक राजकुमारी हो? इस नदी तट पर इस प्रकार हंसना ठीक नहीं है कुंती। हंसना ठीक नहीं है? हंसना क्यों ठीक नहीं है धात्री? धात्री मुझे महर्षि दुर्वासा ने अभयता का वरदान दिया है। मैं वीर पुत्रों की माता बनूंगी, मेरे सारे पुत्र दिग्विजयी होंगे। धात्री मैं बहुत प्रसन्न हूँ, धात्री मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे जी भर कर हंस लेने दो। परंतु इस नदी तट पर
हाँ, इसी नदी तट पर, और आज मैं इसी तट पर स्नान करूंगी धात्री, जी भर के स्नान करूंगी। धात्री, धात्री तुम भी आओ ना। धात्री, धात्री बहुत अच्छा लग रहा है। धात्री, धात्री तुम भी आओ ना। धात्री आओ ना। कुंती, इस प्रकार खुले वातावरण में जल क्रीड़ा करना उचित नहीं है। चलो राजमहल के स्नानागार में ही स्नान करना। नहीं धात्री, मैं तो आज निश्चय करके आई हूँ, स्नान करूंगी तो नदी में। धात्री, धात्री देखो ना, क्या है? धात्री, तुम इतनी खिलखिला क्यों रही हो? देखो ना धात्री, इस गुरुदेव मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रहे, कितने नटखट है। सूर्यदेव तुम्हारे पास कैसे आ गए? मैं सच कह रही हूँ धात्री, ये सूर्यदेव ही तो है। ठीक है, बहुत हो गया स्नान, अब बाहर आ जाओ, विलंब ना करो, महाराज चिंतित होंगे। धात्री, सूर्यदेव को जल चढ़ा लेने दो। ठीक है, शीघ्र ही जल चढ़ाओ। कुंती, क्या बात है कुंती? कोई बात हो तो बताऊं धात्री, यूं ही मन व्याकुल है। क्या माता धर्मा का स्मरण हो रहा है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं सब जानती हूं, दुर्वासा ऋषि से देवहूति मंत्र लेकर अपने आप को चिंताओं में ढकेल दिया है। मंत्र पाने से पहले मैंने तुम्हें इतना चिंतित कभी नहीं देखा। मंत्र को दोष मत दो धात्री, यूं ही मन सूर्यदेव सूर्यदेव का नाम लेते लेते रुक क्यों गई? पता है धात्री, आज जब मैंने सूर्यदेव को देखा तो ऐसा लगा मानो वो मुझसे कुछ कहना चाहते हो। पगली कहीं की, लो दूध पियो। चलो सो जाओ। कल्पना में कहां से कहां पहुंच गई। सूर्यदेव को सारा संसार देखता है, क्या वे हर किसी से बात करना चाहेंगे?
व्यर्थ की चिंताओं को मन में से निकाल दो, चलो सो जाओ। आकर्षक, कितना गौरवमय और कितना मोहक रूप है ये। इस परमोज्ज्वलता में डूबती चली जा रही हूं मैं। एक अद्भुत आकर्षण अपनी ओर खींचता चला जा रहा है और मैं विवश बेसुध इस मोहपाश में बंद ही चली जा रही हूं। मैं तुम्हारे प्रेम और श्रद्धा से अभिभूत हूं सुंदरी। किंतु सूर्यदेव, मैंने तो आपका स्मरण, हम सब जानते हैं तुम्हारी कामनाएं तुम्हारी आंखों में स्पष्ट दिखाई दे रही है। तुम्हें मुझ जैसे ही एक पुत्र की इच्छा है ना? हाँ, नहीं। मैं इसके लिए तत्पर हूं। निर्मल आत्मसमर्पण से निसंदेह तुम मुझ जैसा ही एक पुत्र प्राप्त कर सकती हो देवी। नहीं देव, किंतु किंतु भगवान, मैं इतनी बड़ी कामना कैसे कर सकती हूँ? महर्षि दुर्वासा की कृपा से तुम देवहूति मंत्र की अधिष्ठात्री हो और इस मंत्र के प्रभाव से हमें तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण करनी होंगी। किंतु देव, मेरे शरीर दान का अधिकार केवल मेरे माता पिता और मेरे पालकों को ही है। मैं लोक नियमों के विरुद्ध कैसे जा सकती हूँ? भद्रे, हमारी कामना तुमने की है, पुत्र प्राप्त की इच्छा भी तुम्हारी है और इस इच्छा की पूर्ति हेतु अपना शरीर दान करने के लिए तुम स्वतः स्वतंत्र हो। ये तुम्हारा अधिकार है देवी।